हेलो, आपके सामने एक रेड बटन है। दबा दिया। आगे बोलो। ये बढ़िया था। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रांड न्यू ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम के बारे में बताने वाला हूं, जो कि अभी प्ले स्टोर पर बिल्कुल ही नई आई है। क्या बात है। सो अगर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारजोन या फिर वारफेयर जैसी कोई एंड्रॉयड गेम खेलनी है तो आज की इस वाली वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी ही FPS गेम के बारे में बताने वाला हूं जो कि अंडर 500 में है और इसके जो ग्राफिक्स है ना वो कहीं PC लेवल के हैं। तो ये कौन सी गेम है, इसका नाम क्या है और फाइल साइज क्या है, क्या फीचर्स हैं और कौन कौन से मोड हैं, सब कुछ जो है मैं आपको इसी वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो भाई लोग प्लीज़ वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही नई नई गेम्स के बारे में पता चलता रहे। बात तो सही है। तो गाइस, अगर बात करें हम गेम के बारे में तो ये है इस वाली गेम की मेन मेन्यू, जहाँ पर देख सकते हो कई सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। लाइक ऊपर है प्ले, वेपन्स, ऑपरेटर्स एंड स्टोर। अगर बात करें गेम के मोड्स के बारे में तो फिलहाल इस वाली गेम के अंदर केवल एक ही मोड है जिसका नाम है टीम डेथ मैच। हाँ, मोड तो एक है लेकिन गेम के अंदर आपको मल्टीपल मैप्स मिल जाएंगे। बट एक चीज़ है गेम के अंदर कि आपको मैप को चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, मतलब रैंडमली कोई सा भी एक मैप लग जाता है। बाकी यहाँ पर देखोगे तो आपको एक वेपन का सेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करके जो भी आपके लोड आउट्स हैं उनको आप चेक कर सकते हो। जो लोड आउट्स हैं उनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, मतलब आपको टोटल 3 लोड आउट मिलेंगे। आपको जिस लोड आउट में जो भी वेपन लगाना है वो लगा सकते हो। एंड वही जो है जो ऑपरेटर से इसके अंदर आओगे तो यहाँ पर जो भी कैरेक्टर है आपके वो जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब कई सारे कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। बट बेसिकली ये लॉक होंगे, इनको आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ पैसे भी इसमें इन्वेस्ट करने पड़े। बाकी अगर बात करें सेटिंग्स के बारे में तो यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन का बटन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो भी गेम सेटिंग्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। बट गेम सेटिंग्स तो आपको नॉर्मल मिल जाती है जो आपको अदर किसी मल्टीप्लेयर गेम में मिलती हैं। हाँ, इस वाली गेम के अंदर आपको जायरो देखने को नहीं मिलता। जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स में बिल्कुल अल्ट्रा तक जाता है एंड FPS भी आप दे सकते हो। कंट्रोल्स हैं जो कि आप खुद से अपने हिसाब से यहाँ पर कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आपको मतलब ऐसे कुछ मल्टीप्लेयर गेम खेलनी है जिसके अंदर जो है आपको सब कुछ कस्टमाइज कर सको और गेम के ग्राफिक्स अच्छे हों तो ये वाली गेम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। बाकी अभी ये गेम बिल्कुल नई है तो गेम के अंदर अभी उतने मोड्स तो नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको गेम के अंदर और भी मोड्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो गेम का मोड है उसका नाम है टीम डेथ मैच, और जो अदर किसी मल्टीप्लेयर गेम में टीम डेथ मैच होता है जो उसका कॉन्सेप्ट होता है ना, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। मतलब इस वाली गेम में क्या है, इस वाले मोड के अंदर क्या है कि प्रॉपर आपकी भी एक टीम रहेगी और जो ओपोनेंट्स हैं उनकी भी टीम रहेगी, तो आपको आपस में फाइट करना है। गेम फर्स्ट पर्सन शूटर पर रन करती है, गेम के अंदर आपको TPS का सपोर्ट नहीं मिलेगा। एंड जो भी आपने लोड आउट में वेपन लगा रखा है वही लोड आउट वही उसी वेपन के साथ आपको सामने वाले एनिमी को मारना है, और जिस भी टीम के जो है सबसे पहले हाई स्कोर हो जाएंगे उतने टाइम के अंदर जो टाइम आपको दिया जाएगा तो ऑब्वियसली वो टीम जीत जाएगी। बाकी अगर जो है आप यहाँ पर मरते हो तो फिर से आप इंस्पॉन करोगे, इंस्पॉन करने के बाद फिर से जो है जो भी एनिमीज़ हैं उनको आपको मारना है। और एक चीज़ ये भी है कि आपको गेम के अंदर स्लाइड का भी फीचर दिया जाता है, मतलब जब जो है आप जो क्राउच वाली बटन है अगर आप स्प्रिंट करके दौड़ रहे हो और क्राउच करते हो तो जो आपका करेक्टर है वो ऐसे स्लाइड करता है, जो कि ये भी एक अच्छा फीचर है। और अगर बात करें गेम के ग्राफिक्स एंड मूवमेंट के बारे में तो गाइस ग्राफिक्स नो डाउट आपको बिल्कुल ही OP लेवल के मिलते हैं, मतलब PC लेवल के भाई ग्राफिक्स हैं इसके। और जो कंट्रोल्स हैं ना, कंट्रोल्स इतने स्मूथली वर्क करते हैं, अगर आपका डिवाइस अच्छा होगा तो कंट्रोल इतने स्मूथली वर्क करते हैं और जितने आप फास्ट मूवमेंट कर पाओगे ना उतना जो है आपको गेम के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि मुझे ये चीज़ काफ़ी सही लगी गेम के अंदर। बाकी गेम के अंदर आपको असॉल्ट राइफल, पिस्तौल एंड ग्रेनेड और जो स्नाइपर राइफल है वो भी जो है आपको देखने को मिलेगी, मतलब आप जिस हिसाब से भी फाइट करना चाहते हो स्नाइपर
स्नाइपर के थ्रू, राइफल के थ्रू, मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा ए टू जेड। तो गेम एक बेस्ट निकल के आती है वाली। तो अगर आपको कोई ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेलनी है जिसके अंदर जो है आप अपना जो स्किल है वो दिखा सको, तो ये वाली गेम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। बाकी अभी बात करते हैं गेम के नेम एंड फाइल साइज के बारे में। तो इस वाली गेम का नाम है कॉम्बैट मास्टर और गेम की जो फाइल साइज है वो है 483 MB। गेम प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर क्लिक कर वहाँ से जो है आप इस वाली गेम को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डोंट वरी मैं आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ पर भी क्लिक करके आप इजीली गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी गेम, आई होप आपको गेम और वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।